बिकॉज इंडिया का मीडिया बड़ा नेशनलिस्टिक है, उनको जो बीसीसीआई लीक करता है जिस किस्म के एंगल से वो करता है वो चला देते हैं। और मैं ये देख रहा था कि इंडियन मीडिया में बहुत ही गलत खबरें छप रही थी। बट बात करने का भी एक तरीका है ना, मीडिया में आप लड़ाई लड़ रहे हो। अच्छा, आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखो, मैं सिर्फ वहां के जर्नलिस्टों की बात नहीं कर रहा हूं। इंडियन मीडिया को न्यूट्रलाइज करना बड़ा जरूरी था। जब इंडियन मीडिया में कोई खबर छपती है और हम उसको यहाँ शाया करते हैं तो मेरा पहला रिएक्शन ये होता है कि ये तो इंस्पायर्ड खबर है, बिकॉज इंडिया का मीडिया बड़ा नेशनलिस्टिक है, उनको जो बीसीसीआई लीक करता है जिस किस्म के एंगल से वो करता है वो चला देते हैं। और कुछ लोग हमारे यहाँ उठा के उसको चला देते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बननी शुरू हो जाती है। तो मैं ये देख रहा था कि इंडियन मीडिया में बहुत ही गलत खबरें छप रही थी और मुझे एहसास था कि ये कहीं से लीक हो रही। अब आई सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द इंडियन मीडिया कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये एक सोल्यूशन है, ये ब्लैकमेल नहीं है, कुछ और नहीं है, ये एक सोल्यूशन है एक ऐसी इशू का जो कि डेकेड ओवर एक प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और इसको हल करने के लिए मैंने ये सोल्यूशन दी है। और मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक मैं कामयाब रहा उसमें, और उसका नतीजा जो है वो आज कल आपके सामने आया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनली हमारी तजवीज़ मान ली। अब सूरत हाल यह है कि पिछले अक्टूबर में ACC ने अनाउंस कर दिया था कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा। सारे का सारा राजा साहब थे यहाँ, उन्होंने एक मौकफ लिया। जब मैं आया तो उस वक़्त एक और ट्वीट आ गई या प्रेस रिलीज आ गई कि जी एशिया कप का शेड्यूल भी जो है वो भी उन्होंने बना के शाया कर दिया। तो आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी प्यारी सी ट्वीट की थी तंजीम के, बात आपके अच्छे नहीं है बट इट्स अ डिफरेंट मैटर। बट यार 2008 के बाद अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों बायलैटरल या मतलब एशिया कप ही वो न्यूट्रल में होता तो होता है। इंडिया ने भी 18 में कराया था। अब मुझे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कराओ, बट बात करने का भी एक तरीका है ना। मीडिया में आप लड़ाई लड़ रहे हो। अच्छा, आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखो, मैं सिर्फ वहां के जर्नलिस्टों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो फिर भी भाई आज सुबह वो डाल देते हैं, हो गया ब्रेकिंग न्यूज हो गया तय हो गया। दोपहर को दूसरा डालता है, अरे नहीं हुआ तय, नहीं हुआ तय। हो रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज बोल रहे इंग्लैंड में हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो रही है। क्या क्या यार, इंडिया पाकिस्तान टेस्ट, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया पाकिस्तान। यार आप सोचो यार, कहां घूम रहे हो यार, किस दुनिया में। और पता नहीं वो जो वो आजकल वो नया वो चल रहा है कि सुबह डाल देते हैं कि इंडिया ने कंफर्म कर दिया। जी इंडिया ने कह दिया हाँ एशिया कप हाइब्रिड होगा, 7 दिन पहले सबने बोला था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आधे ऐसे हैं जो हम लोगों को व्हाट्सएप करके पूछते हैं पाजी कोई खबर है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई खबरें तो आप ही डाल रहे हो यार। सो पॉइंट इज कि यार। जी हाँ दोस्तों, नजम सेठी साहब से जो है एक साफी ने सवाल पूछ लिया कि आप इंडियन मीडिया को तो जो है हर चीज़ का जवाब देते हो, उनको उनके साथ लाइव भी आते हो, लेकिन पाकिस्तान मीडिया के साथ क्या मसला है। उन्होंने कहा कि फिर जो इंडियन मीडिया है वो अपनी बात ऊपर चढ़ा के कहता है ये वो, तो एक किस्म का उनका मुंह बंद करने के लिए उन्होंने ये सब बातें की हैं। बट आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बाकी जो है उन्होंने एशिया कप के हवाले से जो बात की, एशिया कप के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। अब जो है मैचेस हम कोशिश करवा रहे हैं कि 5 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो। 5 से मुराद कि पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच खेले, पहले 4 जो मैच होंगे वो तो पाकिस्तान में ही होंगे, जिसमें पाकिस्तान का एक मैच नेपाल के साथ है। पाकिस्तान चाहता है हमारा जो दूसरा मैच हो जिस टीम के भी साथ हो इंडिया के अलावा, तो वो हम जो है पाकिस्तान में खेलें। तो इस बात पर भी जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने मैच होते, कितने नहीं होते। दोस्तों आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।